हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डी क्लास सेवन से इंग्लिश प्रैक्टिस बुक से चैप्टर सेकंड इसका टाइटल है द सेंटेंस सो स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लासेज में पढ़ाई होगा कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस सेंटेंस जो हम कह सकते हैं सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड अस अ सेंस मीनिंग और एनी आइडिया क्लियर स्टूडेंट्स सो हेयर वी हैव डिफरेंट वर्कशीट टू डू अबाउट सेंटेंस तो यहाँ पर हम अलग अलग वर्कशीट्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इस वर्कशीट में सेंटेंस के बारे में क्या दिया गया है तो सबसे पहले वर्कशीट वन तो इसमें देखते हैं क्या है रीड केयरफुली द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टेकन फ्रॉम द यूनिट

थर्ड है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग फोर्थ है मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक फिफ्थ है शी डाइड एट द एज ऑफ एटी एट सो ये सेंटेंसेज यहाँ पे क्यों दिए गए हैं कि इसके बारे में हम आगे जानेंगे दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन बताई थी सेंटेंस क्या होता है तो सेंटेंस sentence is a group of words that may that has a proper sense or any idea तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें कम्प्लीटली एक मीनिंगफुल एक सेंसफुल एक आइडियाफुल कुछ प्रोवाइड करवाए तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं तो यही यहीं पे यहाँ पे भी यही डेफिनेशन दी गई है दीस ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि जो भी अभी हमने पीछे रीड किए हैं सभी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये कम्प्लीट सेंस दे रहे हैं यहाँ पे ठीक है जो मैं प्रॉपर सेंस लिखा है वो कम्प्लीट सेंस से समझ लीजिए इसको तो जो कम्प्लीट सेंस दे देते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसको सेंटेंस बोला जाता है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो इसमें एक रिमेंबर में कुछ दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस तो जो बात मैंने अभी पीछे बताई है आपको वही से हम यहाँ पे रिपीट की गई है क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं अब इन्हीं जो सेंटेंसेस हमने रीड किए हैं ये फाइव इन्हीं से रिलेटेड एक यहाँ पे कुछ टास्क है करने को नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग बिंग स्पोकन ऑफ इन ई सेंटेंस हर एक सेंटेंस में ये फाइव सेंटेंस जो हम रीड किए हैं इनमें कोई ना कोई पर्सन या थिंक के बारे में हमने यहाँ पर बोला गया है उनका नाम लिया गया है द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन एज एन एग्जाम्पल तो उन जो नेम्स हैं थिंक के या पर्सन के उनको यहाँ पर राइट डाउन करना है यानी कि उनमें जो मेन डूर है जो करने वाला है सेंटेंसेज में कोई भी काम उसके बारे में बताना है चाहे वो थिंग है चाहे वो पर्सन है तो देखते हैं फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है हेलन केलर तो जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा था हेलन केलर वॉज बोर्न इन एल्बम तो इसमें किसके बारे में बोला गया है हेलन केलर के बारे में तो वो यहाँ पर लिख दिया गया है सेकेंड सेंटेंस हेलन वॉज ए नोटी गर्ल तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है तो हेलन के बारे में बताया गया है? तो हेलन आपका यहाँ पे लिखेंगे थर्ड में एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग तो एवरी क्लाउड के बारे में बताया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे

बाउट विच समथिंग इज स्पोकन तो जिसके बारे में कुछ ना कुछ बोला गया है तो ये वर्ड्स हमने वहाँ से लिए इन सेंटेंसेज में तो ये वर्ड्स लिए क्यों गए हैं क्या हैं ये वर्ड्स तो यहाँ पर दिया गया है ईच ऑफ द वर्ड्स यू हैव रिटन डाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव सेंटेंस तो ऊपर जो सेंटेंस है इनसे रिलेटेड जिनमें से ये वर्ड लिए हैं उनके ये सब्जेक्ट हैं यानी कि वो वहाँ पे हिंदी में कहते हैं ना करता यानी कि काम को करने वाले इन सेंटेंसेस में काम को करने वाले हैं या फिर उन सेंटेंस में इनके बारे में बताया गया है मेन जो है ये आपके लीडर हैं इन सेंटेंस के तो ये जो है सब्जेक्ट हुए हर एक अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के सेंटेंस के सॉरी तो इसमें रिमेंबर करने वाली बात क्या है द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स ऑफ द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कोल्ड द सब्जेक्ट जैसे भी मैंने बताया था कि जिस किसी भी सेंटेंस में जिस पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बोला जाए या वो करने वाले हैं उस उस एक्शन को कोई उस सेंटेंस में या उनके बारे में कोई बात बताई गई है तो वो पर्सन और थिंग क्या है आपके सब्जेक्ट करिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नाउ राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर एन एग्जाम्पल वॉज बोर्न इन एल्बमा ये कहाँ से लिया है ये इसी सेंटेंस से लिया है देखिए वॉज बोर्न इन एल्बामा यानी कि फर्स्ट जो पार्ट था ये सब्जेक्ट था जो हमने यहाँ पे लिया था यहाँ पे और अब जो सेकंड पार्ट है यानी कि ये जो पार्ट है ये इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है हमें तो ये जो पार्ट है ये उठा के उस पार्ट उसमें रखेंगे एक्सरसाइज में ये इन्होंने रखा हुआ है वॉज बोर्न इन में पहले ही अब हमने सेकेंड से लेना है सेकंड में क्या था सेकेंड का सब्जेक्ट हेलन यहाँ पर लिया है ये हेलन और उसके बाद वाला पार्ट क्या है वॉज ए नोटी गर्ल इसको यहाँ पर डाट डाउन करेंगे वोज ए नोटी गर्ल थर्ड थर्ड लेंगे थर्ड में सब्जेक्ट क्या था एवरी क्लाउड और प्रेडिकेट इसको प्रेडिकेट बोलते हैं स्टूडेंट्स मैं पहले बता देता हूँ आगे इसकी डेफिनेशन आएगी तो ये जो फर्स्ट पार्ट था ये सब्जेक्ट था और जो इसके बारे में कुछ बताने वाला पार्ट है ये प्रेडिकेट तो यहाँ पे क्या हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड में हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग नेक्स्ट में जाएंगे फोर्थ में मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक मोस्ट एफ पीपल हमने पहले ले लिया है तो कैन नॉट टॉक इसका प्रेडिकेट हम यहां पे उठा के लिखेंगे और लास्ट है फिफ्थ शी शी सब्जेक्ट लिया था और बाकी है डाइड एट द एज ऑफ एटी एट तो ये यह यहां पे लिखेंगे डाइड एट द एज ऑफ एटी एट तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इनके प्रेडिकेट्स लिख दिए हैं तो इनके बारे में पढ़ेंगे द पार्ट ऑफ देंटेंस सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट आर कोल्ड द प्रेडिकेट यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट सेंटेंसेस में वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कुछ वो प्रेडिकेट है तो ये सभी पार्ट जो है हमें वो जो पहले हमने सब्जेक्ट लिए हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं ठीक है जैसे यहाँ पे हेलन था हेलन केलर सब्जेक्ट था उसके बारे में बता क्या रहा है बात बात क्या हो रही है कि वॉज बोर्न इन एल्बोमा वो एल्बोमा में पैदा हुई तो इट मीन्स सब्जेक्ट पहले यहां पे प्रेडिकेट चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्कशीट सेकंड की तरफ इसमें क्या कहा गया है सम प्रेडिकेट्स आर गिवन बिलो मैच दैम विदेयर सब्जेक्ट्स ऑन पेज फोर्टीन एंड राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस तो ये पेज नंबर थर्टीन और नेक्स्ट है पेज नंबर फोर्टीन ये फोर्टीन नंबर पेज तो इन्होंने बोला है कि इसमें जो फोर्टी नंबर पेज है नेक्स्ट वाला उसमें उसके साथ इन पार्ट्स की मैचिंग करनी है मीन्स ये जो पार्ट हैं इन पार्ट्स में मैच करना है यानी कि इनको किसके साथ ये कंपेटिबल है ये लिखा जाएगा को जोड़ा जाएगा तो हम देखते हैं कौन सा पार्ट किसके साथ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले ही ये जो पार्ट है इसमें जो डाले गए हैं वो सब्जेक्ट्स हैं और इस पार्ट्स में जो डाले गए हैं वो प्रेडिकेट हैं यानी कि हमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मैच करना है उनके साथ लिखना है उनको मिलाना है आपस में जोड़ना है क्लियर स्टूडेंट्स तो देखते हैं कौन सा पार्ट किसके साथ जुड़ेगा तो फर्स्ट है बार्किंग डॉग्स, तो आपने एक किसकी प्रोवर्ब सुनी होगी बार्किंग डॉग्स डोंट ऑलवेज बाइट ये हम फर्स्ट सेंटेंस में प्रेडिकेट बन जाएगा सेकंड था यहाँ पे द मेट इसमें क्या मैच करेगा देखिए स्मेल्स बैड ये सेकंड सेंटेंस के साथ मैच कर जाएगा थर्ड है माई फ्रेंड माई फ्रेंड के साथ क्या मैच करेगा चलो इसको कर लेते हैं बिलीव इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस फोर्थ लेंगे लॉबस्टर्स अब ये लॉबस्टर्स क्या है इसको किसके साथ मैच करेंगे ये इससे ले लेंगे फोर्थ से हैव ब्लू ब्लड फिफ्थ है यहाँ पे एन आउल आउल को किसके साथ मैच करेंगे इसमें मैच कर लेंगे इसके साथ फिफ्थ सेंटेंस से ये जुड़ जाएगा टर्न इट्स हैड इन कंप्लीट सर्कल सिक्स क्रेडिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स इसको सिक्स में यहां करेंगे आर वेरी कन्वीनियंट सेवेंथ है दाताज महल दताज दा महल इसको इससे मैच करेंगे इज़ वन ऑफ द सेवन वंडर सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड और लास्ट एट्थ द फ्राइटन रेबिट और ये बच गया हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा हेड इन ए बश बुश तो यही सेंटेंसेस जो है हम यहाँ पे यानी कि प्रेडिकेट जो है नंबर वाइज आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से तो इसको इन्हीं सेंटेंसेस को आ, या कह सकते हैं इन प्रेडिकेट्स को आपको नेक्स्ट फोर्टीन इस पार्ट में इन सब्जेक्ट के साथ यहां पे राइट डाउन करना है स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर बी की तरफ अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो हमने फिर से वही है अब आपको समझ में आ गया कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट्स क्या होते हैं तो इन पार्ट्स में इन ये प्रॉपर सेंटेंस है यानी कि पूरे सेंटेंसेस हैं इनमें से आपको जो सब्जेक्ट इनमें नजर आता है उनको अंडरलाइन करना है उन्होंने बोला सब्जेक्ट अंडरलाइन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है वट एवर द रीजन वन शुड नेवर डाई तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है वन के बारे में वन मीज तलब कोई तो वट एवर द रीजन कुछ भी चाहे रीजन हो वन शुड नेवर लाई किसी को वो झूठ नहीं बोलना चाहिए तो किसी कौन वन तो ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे तो इसको हमने अंडरलाइन यहाँ पे कर दिया सेकेंड है मस्टर इन करेज शी अटैक्ट द विच तो यहाँ पे करने वाली कौन है शी इसको अंडरलाइन किया है थर्ड है आउट केम द सन आफ्टर ए हैवी डाउन पोर तो यहाँ पे कौन आया है बाहर सन ये सब्जेक्ट हो गया इसमें दा भी साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपका आर्टिकल है और वो नाउन से सब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होता है यानी कि उसको अलग नहीं कर सकते हैं वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच से अलग अलग मतलब एक टर्म है बट नाउन के साथ ही जुड़ के बोली जाती है तो यानी कि सब्जेक्ट ये इकट्ठा ही माना जाएगा द सन क्लियर स्टूडेंट्स ओवर ओवर द फील्ड्स द हॉर्स गेल तो करने वाला यहाँ पे द हॉर्स तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया ये सब्जेक्ट हो गया क्लियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पढ़ते हैं इज द सब्जेक्ट रिटन इन द बिगनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस टू तो, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे क्या जितने भी आपने सब्जेक्ट अंडरलाइन किए हैं क्या वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हैं तो आप इसका जवाब खुद दीजिए तो आपको क्या लगता है कि सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी कि यहाँ पे शुरू में ही फर्स्ट में दे दिए गए आपको सब्जेक्ट नहीं ना तो यही बात यहाँ पे कही है नो रिमेंबर में द सब्जेक्ट डज नॉट ऑलवेज कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि इस सेंटेंस के बिगिनिंग में ही हो कहीं भी आ सकता है ये देखिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट में भी आया हुआ है तो सब्जेक्ट हमने ये समझना है कि जो भी काम को करने वाला या या किसके बारे में सेंटेंस में बोला गया है, तो वो आपका सब्जेक्ट है क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्कशीट थ्री की तरफ रीड सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट अचीवर्स सब यूनिट सुधा चंद्रन फ्रॉम माय इंग्लिश रीडर क्लास सेवन तो यही आपकी बुक अचीवर्स में से सब यूनिट सुधा चंद्रन से लिया गया सॉरी तो इसमें आपको इस ए क्वेश्चन में दो पार्ट हैं उनको पार्ट वन और पार्ट टू तो पार्ट वन में कुछ सेंटेंसेज और पार्ट टू में भी कुछ सेंटेंसेज हैं तो देखते हैं क्या है इनसे और क्या करना है इनमें सेंटेंस रीड करते हैं पहले अट्रैक हिट आवर बस आई हैड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए ग्रेट डांसर देयर एटीट्यूड हैड चेंज्ड आई वाज इन ए स्टेट ऑफ शॉक ये थी फर्स्ट पार्ट के सेंटेंस सेकंड पार्ट में क्या है हाउ डिड यू रिएक्ट टू दिस सडन बिलो व्हाट वर फीलिंग व्हाट वर यूर फीलिंग आफ्टर द ऑपरेशन

आई होप स्टूडेंट्स आपको कुछ डिफरेंस uh, नजर आया होगा तो मैं बताता हूँ अगर आप नहीं पता लगा है तो आपको तो फर्स्ट पार्ट में जो सेंटेंसेस हैं उनमें नॉर्मल बात कही गई यानी कि वो एज ए स्टेटमेंट लिए गए हैं लेकिन सेकेंड पार्ट में जो है सबके पीछे देखिए आप क्वेश्चन मार्क यूज़ किया हुआ है इट मीन्स ये सेकेंड पार्ट के जो सेंटेंसेज हैं वह क्वेश्चन सेंटेंसेज हैं तो वही पूछा इन्होंने फर्स्ट पार्ट में जो सेंटेंसेज हैं वो क्या कर रहे हैं मेक स्टेटमेंट वो क्या कर रहे हैं स्टेटमेंट बना रहे हैं स्टेटमेंट बता रहे हैं हमको वो इस आ, मतलब एक नॉर्मल बात बताई जा रही है और सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया तो आस्क क्या कर रहे हैं हमें क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन क्या यू ई एस टी आई यू एन कै स्टूडेंट्स तो फर्स्ट पार्ट आपका स्टेटमेंट है और सेकेंड पार्ट के सेंटेंसिस आपके क्वेश्चन हैं तो रिमेंबर में क्या है आपके पास सेंटेंसिस दैट मेक अ स्टेटमेंट आर टिव सेंटेंसेज यानी कि जो स्टेट सेंटेंसेस जिनसे हमें लगता है कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसिस वाइल दोन आज के क्वेश्चन आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेकिन जिनको हम कह सकते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा गया उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बढ़ते आगे वर्कशीट फोर में इसमें क्या है राइट आउन एनी फोर डेट्स डेट

और वो आपसे इस डेट के बारे में क्वेश्चन आपने उसको एक डेट बोलनी है ये लिखनी है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाई इज़ दिस एन इम्पोर्टेंट डे फॉर यू ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है तो आपने उसका आंसर देना है कि आई जैसे इसने आप एग्जाम आंसर पहले से दिया हुआ है आई वोन माई फर्स्ट गोल्ड मेडल मैंने इस डेट को अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था इसलिए ये मेरे लिए स्पेशल डेट है तो आपने भी यहाँ पे सेकेंड और थर्ड या अगले पार्ट में देखते हैं फोर्थ तो यहाँ पे आपको एक डेट चूज़ करनी है अपनी मेमोरी से कोई आपकी कोई मेमरेबल रही हो डेट वो यहाँ पर डालनी है और आपका पार्टनर आपसे वही क्वेश्चन रिपीट करेगा पूछेगा और आपने उसकी डेट के लिए लेट बताना है आपके लिए क्यों स्पेशल है तो जैसे मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है थर्टी फर्स्ट मार्च तो आप ये लिख लिख, लिख सकते हैं सपोज ये डेट ले दे दिए मैंने अभी आपका पार्टनर यही क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा है वाई इज़ दिस एन इम्पोर्टेंट डे फॉर यू वाई इज दिस एन इम्पोर्टेंट डे फोर यू क्लीज स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या होगा आप बता सकते हो यहाँ पे आई पास्ट माई फिफ्थ क्लास विद गुड मार्क्स विद गुड मार्क्स कह सकते हो या इन फर्स्ट डिविज़न कह सकते हो तो जवाब लिखना चाहो आपकी मर्जी है ऐसे यहाँ पर कोई डेट दे सकते हो सपोज़ यहाँ पे मैं दे, देना चाहता हूँ मान लो या आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं अब ये डेट लिख दी आपके पार्टनर ने यही क्वेश्चन सेम आपसे रिपीट किया ये यह क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिएगा और ये आंसर आप दे दीजिएगा इसका कोई भी जैसे कि यहाँ पे एक आंसर दे सकते हो आई विजिटेड मैंने विजिट किया किसको? मनाली को या आप कोई भी सिटी घूमने गए हो तो उसकी डेट बता सकते हैं उस डेट को मैंने उस सिटी को विजिट किया विद किसके साथ विजिट किया पेरेंट्स के साथ ठीक है तो इस वे में आप यहाँ पे भी एक कर सकते हैं ये आप अपने पास से कीजिएगा ठीक है स्टूडेंट student? स्टूडेंट्स आगे देखते हैं वर्कशीट फाइव इसमें हम एक पैसेज दिया हुआ है इसको रीड करते हैं द डेट है नवंबर सेवनटीन टाइम है टेन फिफ्टीन प्लेस है लार्ज कंट्री हाउस इन इंग्लैंड सर माइकल है कोई है डिनर विद फोर पीपल एट एट ओ क्लॉक दिस इवनिंग सर माइकल ने चार लोगों के साथ डिनर किया है आठ बजे इवनिंग में देन ही वेंट टू ही स्टडी तब वो अपनी स्टडी के रूम में चला गया स्टडी करने के लिए चला गया द टाइम वॉज नाइन ओ क्लॉक अब वो टाइम नाइन ओ क्लॉक हो चुका जब वो स्टडी करने के लिए गया ही लॉकड द डोर फ्राम इनसाइड अंदर से उसने डोर को लॉक किया ही शट द विंडो टू विंडो को भी उसने शट कर दिया एंड लॉकड्रॉम इनसाइड और अंदर से ही लॉक कर दिया विंडो को भी एट नाइन थर्टी द हाउस कीपर मिसिज होक टू सम कॉफी टू हिज रूम उसकी हाउस कीपर है मिसिज होक जो उसके लीड कॉफी लेकर रूम में गई शी नोकड एट द डोर उसने डोर पर नॉक किया सर माइकल डिड नॉट आंसर माइकल ने आंसर नहीं दिया शी नोकड अगेन एंड शाउटेड वो दोबारा से नॉक किया उसे चिल्लाई बट सर माइकल डिड नॉट ओपन इट लेकिन सर माइकल ने उसको ओपन नहीं किया शी कोल लेडी एलिजाबेथ फ्रॉम द नेबरहुड पड़ोस में से एक लेडी है एलिजाबेथ उसने उसको आवाज़ लगाई हाउस uh, कीपर ने दे ब्रोक ओपन इट द स्टडी डोर दोनों ने मिलकर स्टडी डोर को तोड़ा तोड़कर खोला एंड वेन इट वैंटीन और अंदर चली गई देन दे आ सर माइकल्स बॉडी ऑन द फ्लोर उन्हें क्या नज़र आया वहाँ पे माइकल जो सर थे उनकी बॉडी यानी कि उनकी डेड बॉडी फ्लोर पे पड़ी थी वो मरे हुए पड़े थे क्या हो गया था उनको सर माइकल वाज डेड माइकल जो थे वो डेड थे लेडी एलिजाबेथ कॉल द पुलिस अब जो पड़ोस की लेडी थी वो एलिजाबेथ उसने पुलिस को बुलाया द टाइम वॉज़ नाइन अब वो टाइम जो है नाइन हो चुका था तो ये कुछ डिटेक्टिव टाइप कुछ दिया हुआ है आगे देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है हमें करना क्या है इमेजिन यू आर ए डिटेक्टिव जैसे मैंने बोला था आप एक डिटेक्टिव हो एक जासूस हो आप एक मान लो जासूस हो इन्वेस्टिगेटिंग सर माइकल्स डेथ जो ये अभी स्टोरी पड़ी है माइकल के डेथ की उसकी डेथ की एक इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए आप गए हो इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हो वट क्वेश्चन विल यू आस्क आप वहाँ जाके क्या क्वेश्चन पुट करोगे वट आइडियाज डू यू हैव अबाउट हाउ सर माइकल डेड डाइड आप आइडियाज लेने की कोशिश करोगे कि कैसे माइकल की डेथ हुई राइट हेयर द क्वेश्चन यू विश टू आस्क यहाँ पे लिखी वो क्वेश्चन जिनको आप वहाँ पे लोगों से पूछोगे वन क्वेश्चन हैज़ बिन गिवन एज एन एग्जाम्पल इनमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वट टाइम डिड सर माइकल हैव हिज डिनर किस टाइम पे सर माइकल ने अपना डिनर लिया सेकेंड क्वेश्चन हम बना सकते हैं विद होम डिड ही हैव डिनर किनके साथ उन्होंने डिनर किया चार लोग थे जिनके साथ किया था तो कौन थे वो थर्ड क्वेश्चन है वट डिड ही हैव इन हिज डिनर वट डिड ही हैव इन हीज डिनर डिनर में उन्होंने क्या लिया हो सकता है कि कुछ गलत खाया हो जिससे उनकी डेथ हो गई आगे पूछ सकते हैं वट टाइम डिड ही गो टू ही स्टडी वट टाइम डिड ही गो टू हीज स्टडी स्टडी के लिए वो कुछ टाइम गए आगे पूछा जा सकता है अब यहां वाई से बना सकते हैं वाई डिड ही लॉक द डोर फ्रॉम इन साइड साथ हु विद हिम आफ्टर डिनर या कोई था उनके साथ जो दिन, डिनर दिन, के बाद जब उन्होंने डिनर किया उसके बाद उनके साथ कोई था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हो साहिम वो साहिम शटिंग द विंडो उन्होंने विंडो भी शट किए थी तो क्या किसी ने उनको विंडो शट करते हुए देखा था तो डिटेक्टिव तो सभी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है अब जो लेके गई थी मेड उसके बारे में पूछ सकते हैं हु टुक कॉफी कौन लेके गया कॉफ़ी टू हिज रूम उसके रूम में कॉफ़ी कौन लेके गया अब वो हमें पता लग ही गया कि वो लेके गई थी तो उसके बारे में पूछ सकते हैं हु या वैन से बना सकते हैं वैन डिड शी गो वो कब गई वो गई ना वो वो गई थी उसको कॉफ़ी देने के लिए तो किस टाइम पे गई वो वैन डिड शी गो और लास्ट वेयर से बना सकते हैं कहाँ वेर डिड शी सी कहा देखा उसने क्या देखा मिस्टर माइकल्स बॉडी माइकल्स की बॉडी कहां पे देखी फ्लोर पे पड़ी थी जैसे तो कहां पे आपने उसको देखा ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो रिमेंबर में क्वेश्चंस दैट बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाट हु व्हाई होम वेयर एंड व्हेन रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन एन कॉल डब्ल्यू एच क्वेश्चन इन जितने भी डब्लू एच वर्ड हमने लगाए इनको डब्लू एच क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है क्लियर नेक्स्ट वर्कशीट सिक्स यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन इन द ब्लर्स फ्रेम क्वेश्चन टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज वन हैज बिन डन फॉर यू यहाँ पे कुछ फ्रेसिस हैं इनको यूज करते हुए नेक्स्ट पेज पर कुछ आंसर्स हैं उनके क्वेश्चन uh, हमने बनाने हैं फ्रेम करने हैं वो उनमें जो आइडियाज़ होंगे या जो फ्रेज होंगे वो ये यूज़ करने हैं कलिए स्टूडेंट्स तो देखते हैं क्या हो सकते हैं नेक्स्ट जैसे इन्होंने फर्स्ट बनाया हुआ है इन्होंने इट टर्न्स ग्रीन अब क्या ग्रीन हो सकता है व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड ब्लू टू येलो हम ब्लू में येलो को मिक्स करेंगे कलर को तो कौन सा कलर बन जाएगा इट टर्न्स ग्रीन तो ये जो लाइन है इन्होंने ये पुट की है ऐड ब्ल्यू एंड येलो तो हम सेकंड क्वेश्चन है इट इज इन इंडिया अब क्या है इंडिया में ताजमहल है तो ताजमहल से क्वेश्चन बना सकते हैं वेयर इज ताजमहल वेयर इज ताजमहल तो ये आंसर बन जाएगा इट इज इन इंडिया नेक्स्ट है इट टर्न्स हार्ड अब क्या चीज टर्न हार्ड हो सकती है ये हो सकती है बोल एंड नेग फॉर सिक्स मिनट्स क्वेश्चन बना लो वट हैपन्स What happens when we boil an egg for 6 minutes? 6 मिनट्स के लिए ऑयल को एग को बॉयल करेंगे तो क्या होगा इट टर्न्स हार्ड सॉरी ये हम यहां पर लिखा गया है तो इसको यहां पर हम लिख सकते हैं क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आंसर है वन इज नोकड इन द अदर नो डाउट ये कौन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन अ नेल एंड ए बेड बॉक्सर तो यहां से बनाएंगे इसको क्वेश्चन वट इज द डिफ्रेंस बिटवीन अ नेल एंड अ बॉक्सर प्ले स्टूडेंट इसका आंसर ये हो जाएगा नेक्स्ट इलेवन इलेवन कौन होंगे प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम इसका क्वेश्चन बना लेंगे हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट टीम हाओ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अकेट टीम तो क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं ये क्वेश्चन बन गया इसका आंसर आ जाएगा इलेवन नेक्स्ट आंसर दिया हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स वुड डाई तो ये है इफ द सन लोस्ट इट्स हीट वट वुड हैपन इफ द सम लोस्ट इट्स हीट अगर वो अपनी हीट खो दे तो क्या होगा ऑल लिविंग थिंग्स वुड डाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर है इन रशिया अब लास्ट जो बचा है रशिया में कौन टोल स्टॉय बोर्न क्वेश्चन लगा सकते हैं वेयर वॉज टोल स्टोय बोर्न आंसर हो जाएगा इन रशिया क्लियर स्टूडेंट्स आंसर से हमने क्वेश्चन बनाने थे नेक्स्ट एक कन्वर्सेशन है किसी की वर्क विद योर पार्टनर अपने पार्टनर के साथ एक वर्क कीजिए लेट योर पार्टनर थिंक ऑफ समथिंग एन एनिमल अ वेजिटेबल अ मिनरल और सम एबस्ट्रेट थिंग आस्क क्वेश्चन टू फाइंड आउट वट वट योर पार्टनर हैज ऑफ देन यू थिंक ऑफ द समथिंग एंड योर पार्टनर आस्क यू क्वेश्चन टेक्सान्स टू डो डिस एक्टिविटी वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिम ट्री मतलब एक कन्वर्सेशन करनी है इन चीज़ों को लेके तो क्वेश्चन आंसर्स पुट करने हैं यहाँ तो पे ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो आपने क्वेश्चन पूछा इज इट मेड ऑफ वुड ये लकड़ी से बना है पार्टनर ने कहा नो no. आपने पूछा कैन यू ईट इट क्या आप इसे खा सकते हो पार्टनर ने कहा नो no. आपने पूछा डू यू हैव इट क्या आपने सिखाया है पार्टनर ने कहा आई कैन फील इट मैं से फील कर सकता हूँ आपने पूछा इज इट हैपीनेस क्या ये खुशी है पार्टनर ने कहा यस तो ये क्वेश्चन आंसर पुट हो रहे हैं तो यहाँ पे आप फिर से क्वेश्चन पुट करोगे सपोज ये क्वेश्चन बना सकते हो कैन इट वॉक क्या ये चल सकता है यानी कि वो किसी हिंट दे रहे हैं किसी चीज़ को लेके तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपका पार्टनर उसके आंसर दे रहा है पार्टनर कह रहा है नो चल नहीं सकता ये आपने फिर से पूछा यू इज़ इट मेड ऑफ गोल्ड क्या ये गोल्ड का बना है पार्टनर ने क्या आंसर दिया यस आपने फिर क्वेश्चन पूछा कैन यू चू इट चू मिस चुबाना क्या आप इसे चबा सकते हो तो पार्टनर ने आंसर दिया नो तो इस तरीके से हम आगे से आगे इसको क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं कन्वर्सेशन कर सकते हैं तो क्वेश्चंस दैट एलिसिट द रिप्लाई येस और नो बिगिन विद एन ओग्जलरी वर्ब अभी आप नोटिस करो यहाँ पे कोई भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड से क्वेश्चन नहीं बने सारे ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बने हैं क्लियर स्टूडेंट्स आर यू ग्रीन वर्क विद योर पार्टनर टू फाइंड आउट राइट अप्रोप्रियट सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड द फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू यू लाइक मैगजीन्स एंड रीड टू और थ्री वीक व्हाट डू यू डू विद योर ओल्ड मैगजीन्स आप मैगजीन्स पसंद करते हो उसको दो या तीन वीक में पढ़ देते हो उसके बाद उस मैगजीन्स का क्या करते हो इसके तीन आंसर दिए हैं ऑप्शन दिए हैं गिव देम टू योर फ्रेंड टू रीड अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो रीड करने के लिए डन दैम इन द गार्डन क्या गार्डन में जला देते हो उनको टेक देम टू द पेपर ब्लैंक टू बी रिसाइकल्ड क्या पेपर बैंक में उनको दे देते हो ताकि वो रिसाइकल उनको कर सकें तो इनमें से कुछ ऑप्शन जो हैं कोई कर सक कोई अपना अपना वे में करता है नेक्स्ट ऐसे ही है यू बाय फूड एट योर लोकल शॉप आपने लोकल शॉप से कोई फूड बाय किया हाउ डू यू कैरी इट होम आप उसको घर कैसे लेकर जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन है आस्क द शॉप फॉर ए कार्डबोर्ड बॉक्स टू कैरी इट इन आप बॉक्स बो, लोगे वहाँ से शॉप से जिसमें आप उसको लेकर जाओगे आस्क द शॉप टू लीव डिलीवर इट शॉपकीपर कीपर को बोलोगे कि आपके घर पर डिलीवर कर दे या फिर ब्रिंग योर ओन बैग विद यू या अपना बैग लेकर जाओगे जिसमें उसको डालकर ले कर जाओगे तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं थर्ड है यू हैव बोट सम स्मार्ट नो क्लॉथ्स आपने कुछ क्लॉथ्स ख़रीदे हैं अब इसमें एक क्वेश्चन बनाना है आपको जिसके आंसर ये बनेंगे नीचे बना सकते हो वट विन यू डो विद योर ओल्ड क्लोथ्स ऐसे यहां पर तो आप पुराने क्लोथ्स का क्या करोगे आंसर यहाँ बन सकते हैं सेल दैम एंड बाई मोर न्यू क्लोथ विद द मनी उनको बेच कर उस पैसे से नए कपड़े ले लेंगे गिव डैम दो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक द रेड क्रॉस और ए चैरिटी होम किसी चैरिटी करने वालों को या रेड क्रॉस करने वालों को दे देंगे ताकि वो दूसरों को हेल्प कर सकें या फिर गिव दैम टू यर सर्वेंट आप उसको अपने नौकर को दे देंगे सर्वेंट को दे सकते हैं या फिर किसी नीडी को दे सकते हैं जिसको जरूरत है उसकी तो ये इसके आंसर पुट हो सकते हैं नेक्स्ट है यू लिव फाइव किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर यू स्टडी आप पाँच किलोमीटर दूर रहते हो जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ से हाउ डू यू गेट देयर ईच डे हर रोज आप वहाँ से कैसे आओगे राइडर बाईसाइकिल बाइक बाईसाइकिल चला के आओगे या फिर बना सकते हैं गो बाय बस बस से जाएंगे गो बायो रिक्शा रिक्शा से जाएँगे तो ये आंसर हमने फिल करना है नेक्स्ट यू हैव जस्ट स्पेंड ए लवली सॉरी लवली डे हैविंग हैंग पिकनिक ऑन द बीच आपने अच्छा दिन बताया बीच पे पिकनिक बनाते हुए वट डू यू डू विद द फूड यू हैव नॉट ईटन और वहाँ पे जो फूड देकर गए दे थे अगर उसको नहीं खाया तो आप क्या करोगे उनका तो इसमें एक ऑप्शन इन्होंने दे दिया है थ्रो इन द सी फॉर द बर्ड्स एंड फिश टू ईट सी में डाल दोगे ताकि बर्ड्स और फिश को खा सकें या फिर गिव इट टू द नेडी निडी को दे दोगे जिसको जरूरत है उसकी या फिर ब्रिंग इट होम बैक या घर वापस ले आओगे या फिर किसी खड्डे में डाल सकते हैं उसको डिग में कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो और सिक्स आपको क्वेश्चन भी खुद बनाना है इसके आंसर भी खुद दे देने हैं इसके ऑप्शंस तो आप बना सकते हैं कुछ भी सपोज यू हैव टू राइट सम सेंटेंसेस ऑन अ सेलिब्रिटी आपको कोई सेलिब्रिटी के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं हाउ वुड यू फाइंड मटेरियल्स आप मटेरियल कहाँ से लाओगे तो इसके आंसर दे सकते हैं रीड करेंगे सम न्यूज़ पेपर्स को फाइंड करेंगे मैगजीन से या फिर फाइंड करेंगे बुक्स अलग अलग टाइप की बुक्स लेके वहाँ से ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्कशीट नाइन री राइट द फ्लोइंग सेंटेंसिस यूजिंग कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप्स कॉमास क्वेश्चन मार्क्स वेयर एवर यू रिक्वायर्ड तो इनमें आपका पंचुएशन यूज करनी है यानी कि पंचुएशन में क्या क्या आते हैं आपके कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप्स कॉमास क्वेश्चन मार्क्स ये जो इनके sign है इनके साइन यूज करने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे ये तो फर्स्ट मिस्टर दास वैन टू द जू विद द पेरेंट्स विद हीज़ पेरेंट्स चिल्ड्रन एंड वाइफ तो मिस्टर का एम कैपिटल हो जाएगा दास का डी कैपिटल हो जाएगा और मिस्टर ये पूरा नहीं है तो इसे यहाँ पर डोर लगाना पड़ेगा यानी कि फोर्ट ऑप की तरह होगा वेंट टू दूर विद हीज़ पेरेंट्स अभी तीन लोग अलग अलग हैं पेरेंट्स चिल्ड्रन एंड वाइफ तो पेरेंट्स के बाद कुमा चिल्ड्रन एंड वाइफ और उसके बाद फुस्टॉक हु इज नॉकिंग एट माई डोर तो हु का डब्ल्यू बढ़ा हु इज लॉकिंग एट माई डोर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्यों क्वेश्चन है यहाँ पे दिस इज द ब्यूटिफुल पेंटिंग दिस का टी बढ़ा दिस इज अवटिफुल पेंटिंग यहां पर सिंपल फुस्टो पाएगा नेक्स्ट हैव यू बीन टू द पाक हैव का एच बड़ा हैव यू बीन टू द पाक और लास्ट इसमें क्वेश्चन मार्ग लगा है चार्ल्स डीकंस रोट द बुक डेविड कोपरफील्ड चार्ल्स का सी बड़ा क्योंकि नाम है किसी का वैसे भी लाइन सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है डीकन्स का डी बड़ा रोट द बुक यहाँ पे हम नाम बाद में लिख देंगे डेविड कोपरफील्ड यहाँ पर फुल स्टॉप ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमें ये पंचुएशन मार्क लगाने हैं कैपिटल लेटर्स तो इसमें देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में जैसे ही का यहाँ पे एच बड़ा करेंगे कैपिटल में ब्लैक के बाद फुल स्टॉप लगेगा फिर से यहाँ पे ही का एच बड़ा होगा कैपिटल फेस के बाद फुल स्टॉप इट का आई कैपिटल टी तक ये सेंटेंस चलेगा इसका एच कैपिटल यहाँ पे लोंग के बाद कॉमा शार्प फिंगर नेल स्मॉल टेरिबल तका के आपका स्टॉप इसके बाद वैन का डब्ल्यू बड़ा यहाँ आई तक आपका चलेगा और इसके बाद यहाँ परमा लगा के यहाँ पे एच कैपिटल हो जाएगा इसके बाद शेक तक आपका आएगा फू स्टॉप आफ्टर का ए बड़ा ब्लड के बाद कोमा यूज़ करेंगे इस फेस ऑन यूज़ल यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा कैन का सी बड़ा और लास्ट में ये क्वेश्चन पुट कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क ठीक है स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे स्क्रीन शॉट लेके देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं वर्कशीट टेन में इसमें कुछ नहीं है करने के लिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस दिए गए इंक्वीर करना है सिर्फ हाउ डेयर यू लुक आउट यू आर गोइंग टू फॉल वट ए पिक्चर्स यू यू काट डू इट डू दैट इनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगे हुए हैं तो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं तो इनको यूज़ करना है हमने वर्कशीट इलेवन में तो देखते हैं आई लव साइड इसमें मैं फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क उस एक्सक्लेमेशन मार्क जो मैं पीछे किए हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं तो देखते हैं आई लव द सी साइड सिंपल सेंटेंस है फुल स्टॉप आ गया वट आर यू डूइंग क्वेश्चन सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क आएगा हैप्पी बर्थडे ग्रैंड मा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा जिसमें ये साइन लगा के नीचे डॉट लगेगा दिस इज माई फ्रेंड यहाँ पे कॉमा और एम ई के बाद फुल स्टॉप ऐसे कुछ आगे भी है सेंटेंसेज इनको फिल करेंगे हम इनमें भी ऐसे ही दैट इज रिड्यू इसमें वो स्टॉप सिंपल है ये सेंटेंस वाट आर टेरिबल्स ये भी साइड ऑफ एक्सक्लेमेशन इज इट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क आई विश आई कुड गो आउट टू प्ले फुल स्टॉप ही इज ए गुड फ्रेंड फुल स्टॉप आर यू क्रेजी क्वेश्चन मार्क तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज डू इट योर तो इसमें कुछ जम्बल वर्ड है इनके सेंटेंसेस रीअरेंज करने हमको क्रेसिस से या वर्ड से तो देखते हैं इनको फर्स्ट बनाया हुआ है सेकेंड को देखते हैं इससे बना सकते हैं वट आर द रूल्स फॉर इट्स मेंबर। वट आर द रूल्स For its members and its membership. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट सी बनेगा आपका ओ ये ओ पहले दे, दे देंगे ओ साइन ऑफ एक्सप्लेशन आर एंड गारंट लेंगे यहां पे कैपिटल में दे आर टू मैनी रोल्स क्वेश्चन मापोटोगे यहां पे नेक्स्ट इस में इज देर एनीथिंग मोर इज देर एनीथिंग War, you would like to know? The last question mark. Next, email Members must not give, Members must not give. और लैंड हीज मेंबरशिप और लैंड हीज मेंबरशिप कार्ड कार नॉन मेंबर्स कार्ड कार नॉन मेंबर्स नेक्स्ट एफ मेंबर्स have to wear suitable have to wear suitable clothing for every event or next G is Anyone wishes to join the club, she has to be supported. बाय द मेंबर्स बाय टू मेंबर्स द मीन्स ये कोई हम पढ़ सकते हैं ऊपर रिअरेंज करना है इन सेंटेंसेस को यहां पर क्लब को ज्वाइन करने की मेम्बरशिप के बारे में है नेक्स्ट सेकेंड लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंप्लीट द डायलॉग दैट फॉलोज देर इन एजेंपल फॉर यू जो कि मैप है कहीं का जिसको देख के यहां तो पर पॉइंट है कुछ वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कौन कौन सी वाटरफॉल फ्रेश वाटर वन पे टू पे लुकआउट पॉइंट थ्री पे हिल्स केव सीगल कैसल डॉल्फिन फॉरेस्ट शिप तो यहाँ पे हम इनको यूज़ करते हुए डायलॉग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे यूज़ करेंगे देयर इज़ ए कासल In the middle of the island. नेक्स्ट सुजाता बोल रही है यहां so. पे देयर आर केव्स ऑन नंबर फो नंबर फोर पे पूछा है यहां पे पीछे व्हाट इज दोज नंबर्स फोर एंड्रेड तो नंबर फोर पे तो केव्स है और नंबर एट पे लिखेंगे बिहाइंड द हिल्स देर आर फॉरेस्ट ऑन नंबर एट क्लियर नेक्स्ट है देयर मस्ट बी लोट ऑफ क्रिएचर्स इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट आई गेस तो हम आंसर देंगे यस आई थिंक

ऑन द लुकआउट पॉइंट ऑफ दिस आईलैंड इस आईलैंड के लुकआउट पॉइंट पे क्या है तो यहाँ पर आई कैन सी टू शिप्स मूविंग द डायरेक्शन ऑफ द आइलैंड सो आई थिंक पीपल मस्ट भी विजिटिंग इट तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एंड हो जाता है आपका ये टॉपिक्स तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू